मैं उनके साथ बचपन से ही जुड़ा हुआ था। मेरे पिताजी, मैं जब छोटा था, मुझे वाकणकर जी के पास ले गए थे और उन्होंने कहा था ये मेरा बेटा है, ये चित्रकला में इंटरेस्ट रखता है, आप चित्रकला सिखाइए। तो उनके पास नियमित रूप से जाने लगा। जब उन्होंने देखा मेरी जो रुचि थी इसमें पुरातत्व में होने लगी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम MA पुरातत्व कर लो और डिप्लोमा आर्कियोलॉजी कर लो। तो उनके माध्यम से मैंने दोनों काम किए। और भीमबेटका में एक्सकेवेशन से पूर्व जब मैंने उनके साथ पूरी ट्रेनिंग ली, पूरा ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ भीमबेटका चलो और भीमबेटका में काम करेंगे। वो भीमबेटका का उत्खनन जब प्रारंभ किया तो उस समय केवल मैं और कुछ एक दो और सहयोगी उनके साथ थे जो काम प्रारंभ किया। हम वहाँ पर जनवरी 1972 से लगा के जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह तक हमने लगातार काम किया और पूरा 10 किलोमीटर का सर्वेक्षण किया, जिसमें कई सेल चित्रों की खोज की। 10 किलोमीटर में लगभग 650 पेंटेड रॉक फिल्टर्स थे, जिनका बहुत ही अच्छा डिपॉजिट था, जिसके अंदर पुरातत्व का काम करने के लिए बहुत सुविधा थी। उस समय वहाँ देखे उन्होंने लाल रंग के पेंटिंग है, सफ़ेद रंग के पेंटिंग है, हरे रंग के पेंटिंग है। तो इतना सब सर्वे करने के बाद उन्होंने देखा कि जो ऑडिटोरियम रॉक है, जो मेन गुफा है, वहाँ उत्खनन किया जाना चाहिए। तो यह सोचकर उन्होंने वहाँ उत्खनन प्रारंभ किया। उनके साथ मैं सहयोगी के रूप में था और कुछ लोग और थे। जब उत्खनन जब प्रारंभ हुए तो वहाँ पर धीरे 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 पाषाण युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिलने लगे। सबसे नीचे पाषाण काल के मिले, उसके ऊपर ताम्रस्म काल के अवशेष मिले, उसके पश्चात इतिहास काल के और आधुनिक काल के। इन लगातार लाखों वर्ष पुरानी जो संस्कृति है, लगातार मध्यकाल तक वहाँ मिलती रही, जिसमें पाषाणकालीन हथियार थे, जिसमें क्लीवर है, हैंडक्स है, वो कई तरह की ऐसी चीज़ें थी। और कुछ उन्होंने जब तुलनात्मक अध्ययन किया इन प्राप्त अवशेषों का, तो उन्हें लगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें संसार में होना भी नहीं, संसार में है भी नहीं। तब जब वो जब देखा गया तो काफ़ी डॉक्टर संकाली आए, डॉक्टर RV जोशी आए, KD बनर्जी आए, इन्हें कई लोगों ने उस क्षेत्र का उनके साथ सर्वेक्षण किया और उन्होंने बताया कि निश्चित ये पुरातत्व महत्व की बहुत सी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। और लगभग उन्होंने 1972 से लगा के 75-76 वहाँ उत्खनन कैंप लगाए और पूरा उसका सर्वेक्षण किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, और उसके ऊपर उन्होंने इतना वर्क किया कि शायद ही किसी ने काम किया हो।